माँ की वो थपकी, माँ के आंचल की खुशबू, माँ के हाथ का खाना, ये छोटी छोटी चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं या माँ से कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं। एक तरह से हमारी माएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इस मदर्स डे हर जिंदगी की मुहिम माँ एंड मी द लव स्टोरी एक कोशिश है उन्हीं छोटी छोटी यादों को एक बार फिर से जी लेने की। इस मुहिम में हमारा साथ दे रही हैं कई मशहूर माँ बेटी जोड़ियां भी। आज के वीडियो में भी एक बहुत खास माँ बेटी जोड़ी हमारे साथ है, चलिए मिलते हैं उनसे। आज हमारे साथ है ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड एन इंस्पिरेशन फॉर होम कुक्स एंड शेफ्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द कंट्री, मास्टर शेफ पंकज भदौरिया। स्वागत है आपका पंकज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो मेघा, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर टुडे। और उनके साथ बैठी है उनकी प्यारी सी बेटी सोनालिका, जो कि एक यंग प्रोफेशनल है, शी इज इंटरेस्टेड इन फैशन एंड आर्ट और स्वाभाविक है मम्मी की फेवरेट। तो हैप्पी मदर्स डे टू यू पंकज जी। पहले तो थैंक यू सो मच मेघा, टू यू टू। और मेरा पहला सवाल आपसे पंकज जी, दैट मास्टर शेफ सीजन 1 जब आपने जीता था और आप बन गए थे मास्टर शेफ प्राइड ऑफ इंडिया, तो उसको एग्जैक्टली अब 10 साल हो गए हैं। तो व्हेन यू लुक बैक एट दैट जर्नी, आपके पास एक नौकरी थी, बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी थी, मदरहुड उस टाइम आपके लिए क्या था, स्ट्रेंथ थी आपकी या वीकनेस? आई वुड से इट वाज स्ट्रेंथ मेघा, बिकॉज़ टू टेल यू द ट्रुथ, मास्टर शेफ में जाने का रीजन ही मेरे बच्चे थे, बिकॉज दे इंस्पायर्ड मी, दे पुश्ड मी कि मम्मा आप भी जाइए, दिस इज समथिंग यू डू सो वेल एंड यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट। तो आई थिंक मदरहुड वाज डेफिनेटली अ स्ट्रेंथ, एंड बच्चों की जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल करते करते ही तो मेरा इतना जो एक जो मैं कहती हूँ मेरी जो रेसिपीज की जो किटी थी या जो मेरा खाना बनाने का नजरिया था वो इतना ज्यादा वाइडन हुआ था, जो हराइजन था वो इतना ब्रॉड हुआ था। सो आई गेस आई नीड टू थैंक दीज गाइज। बट क्या मुश्किल रहा था ये डिसीजन, दैट यू नो ऑफ कोर्स बच्चे थे घर में, द फैक्ट दैट आपकी नौकरी थी, आप इसके बारे में बात भी कर चुकी हैं, दैट 16-17 साल की सर्विस थी, वाज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन, और किस चीज ने आसान बनाया ये डिसीजन लेना कि अब आप जाएंगी बॉम्बे और बिल्कुल 100% देंगी इस शो को? Fortunately, Megha, I have a very, very supportive family. My mom-in-law has been taking care of my kids ever since they were born. Dadi se achha kaun bachcho ko sambhal sakta hai? So I did not have to worry on that account at all. And mom was there to take care of kids. Jahan tak naukri chhodne ka sawal hai, wo ek bahut hi socha samjha decision tha. Ki dekhiye, aisa hota na, jis middle income group family mein दो इनकम्स आ रही होती हैं, अगर एक आप माइनस कर देंगे तो नेचुरली आपकी लग्जरीज पे कहीं ना कहीं डेंट आता है। तो वी थॉट दिस वाज वन चांस दैट वी कुड डेफिनेटली टेक, यू नो, कि ऐसा नहीं था कि हमारे लिए दाल रोटी का सवाल था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना। तो आई कुड थिंक अबाउट क्विटिंग माय जॉब, बट हाँ दर्द बहुत हुआ था क्योंकि बहुत प्यार करती थी मैं अपनी जॉब से एंड आई लव्ड टीचिंग। So yes, it was a very difficult decision there. Yeah, no, but it takes a lot of guts. You know, himmat ki baat hoti hai apne passion ko is tarike se follow karna. So kudos to you. Sonalika, aapse puchna chahungi ki bahut se bacche, bahut se log bade anxious honge aapse. Master chef ghar mein baithi hain aur jeetne se pehle bhi jaise mummy bata rahi hain ki aapki sari demands wo you know follow through karti thi, tarah tarah ka khana aap dish khana banati thi. तो किस तरह की यादें हैं बचपन की, एनी फेवरेट डिश दैट यू रिमेम्बर जो मम्मी बहुत बढ़िया? आई थिंक बचपन से हमारी सारी बर्थडे पार्टीज घर पे होती थी एंड मम्मा यूज्ड टू कुक एवरीथिंग, तो हमेशा से ऑल माय फ्रेंड्स वर लाइक हाँ बहुत अच्छा खाना बनता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई लव सो मेनी डिशेस, आई डोंट थिंक आई कैन नेम वन इन स्पेसिफिक। पंकज जी, आपका खाने के साथ अगर मैं रिश्ता कहूं, क्योंकि ये भी एक यू नो जैसे जो पैशन जो होता है उसके साथ कहीं ना कहीं थ्रेड जुड़ा होता है जिंदगी का, आपकी क्या खाने के साथ कहानी है, क्या किस्से हैं, कब आपको खाना बनाने का शौक हुआ? बेटी से तो आपने कहा ही, बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली बनाया है, माँ से भी कुछ लिया आपने इस शौक को आगे? I would like to tell you कि मेरा जो खाना बनाने का शौक है ये मेरे मम्मी पापा दोनों से मिला है, both of them they were excellent you know cooks
एंड जब हमारे घर में बहुत पार्टीज हुआ करती थी, तो जब मैं देखती थी ना कि वो जब इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, तो पहली बात तो अच्छा खाना खाने को भी मिलता है और दूसरी बात इतना अप्रिसिएशन भी मिलता है. दैट इज व्हेन आई गॉट हुक्ड, यू नो, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग. आई स्टार्टेड कुकिंग एट द एज ऑफ 11. 11 साल की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था. और यहाँ पर भी जब शादी भी हुई तब मेरे हस्बैंड को भी अच्छा खाना खाने का नेचुरली शौक है, हर एक को होता है. बिल्कुल. हाँ, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, आपने कहा ना कोई थ्रेड कहानी कुछ तो सुनाना चाहूंगी, तो सोनालिका की ही कहानी सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी. आफ्टर वन मास्टर शेफ, एक दिन सोनालिका स्कूल से आई घर और बैग रखते ही बोली, मम्मा यू नो आई जस्ट कांट टेक एनीथिंग इन टिफिन टू स्कूल. आई सेड क्या हुआ बेबी, व्हाट हैपेंड? सो शी सेज, मम्मा डू यू नो हूज डॉटर आई एम? Everybody comes and peeps into my tiffin. कि सोनालिका तुम क्या लाई हो? तो actually जो पहले भी इनके tiffins जाते थे ना, उसमें पूरी या फिर सब्जी रोटी या पराठा वराठा कभी नहीं गया. So sometimes it was spaghetti and meatballs. तो कभी इसमें oat cupcakes होते थे, कभी lemon rice होता था. So there was a variety that went into a tiffin. एब्सोल्युटली, वही मैं कह रही हूँ कि तुम बहुत लकी हो सोनालिका, यू बीन वेरी लकी और पॉपुलर भी रही होगी यकीन स्कूल में मम्मी के टिफिन्स के चलते. हाँ, बट माय सन केम इन एंड टोल्ड मी, मेघा एक दिन मेरा बेटा तो उस वक्त बहुत छोटा था, आके बोला, मम्मा डू यू नो व्हाट, हम इतने पॉपुलर हो गए हैं स्कूल में. सब बोलते, अरे तुम तो सिद्धार्थ भदौरिया हो ना, मास्टर शेफ फतेह भदौरिया के बेटे हो ना. रोजमर्रा के जो डिसीजंस होते हैं, या अपने करियर पाथ हो गया, या कहीं भी आप जब अपनी जिंदगी में अटकती हैं, तो मम्मा की ये जो वो है ना करेज एंड इंस्पिरेशन, ये आपको गाइड करती है? Like if mama was so let's say strong enough to take a decision of leaving her job and everything, so obviously it was like if you really like doing something, if you really love, so chance lena chahiye. So I think that really is a very good thing. And yeah, I obviously use that a lot of decisions where I just take without thinking ki theek hai dekha jayega jo hoga. So yeah. Aur kitchen mein sir aapka interest hai? Because mujhe lagta hai swabhavik hoga. जितना मैंने सीखा है, बट दैट्स इट, बिरयानीज एंड केक्स एंड ऑल. पंकज जी, आपकी ये जो सक्सेस जर्नी रही है, इससे लोगों का नजरिया भी आपने क्या बदलता देखा है? कि you know, because अभी भी हम लोग इस एक स्टीरियोटाइप को, लड़कियों को फाइट करना पड़ता है कहीं ना कहीं कि ये क्या कर लेगी. आपने देखा है कोई जो सक्सेस जो आपको मिली उसकी वजह से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ? डेफिनेटली मेघा, देखिए मेरी फैमिली, मेरे मॉम इन लॉ, मेरे हस्बैंड, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली और बहुत सपोर्टिव है सब लोग, है ना. और वही लेगेसी शायद हमारे बच्चों को भी मिली है. बट बाहर क्या है, क्या किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिलता है? तो डेफिनेटली, यू नो, आई ऑल्सो रन अ कलिनरी अकेडमी, और जहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज में यू विल बी सरप्राइज टू नो आई हैव मोर गर्ल्स देन बॉयज. व्हेन द पेरेंट्स ब्रिंग द गर्ल्स इन, और जब वो लड़कियां एडमिशन लेने आती हैं, एंड इफ आई मीट देम, दे से कि मैम आपको देख के हमको लगता है कि हमारी लड़की भी ये कर सकती है. So we are happy to send her to you. And I get students from as far as Shillong. Meri academy Lucknow mein hai, Nepal, Shillong, Jaipur, Karnataka and Gujarat. And so this is very, very heartwarming. Bahut achha lagta hai ye sunke. Ki that you've been able to inspire, you know, others also to follow their passions and their dreams. सोनालिका, कैसा लगता है जब इतने लोग मम्मी को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, और यू नो वाज इट सरियल जब तुमने पहली बार मम्मी को यू नो टीवी शोज करते हुए देखा, यू नो आफ्टर मास्टर शेफ शी डिड मेनी शोज, शी इज राइटिंग बुक्स एंड यू नो बिकेम अ ब्रांड एंड अ फेस. कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है मम्मी को?
I think pretty good because I've seen her. Agar wo book bhi likh rahe, a lot of effort goes into that. Yeah. Or shows shooting till 2 in the night and everything. When it turns out good, acha lagta hai. Like her hard work is paying off, and everybody loves her. She has so many fans, and it's really good. Mm-hmm. So when you guys are called Pankaj Badoria's daughter, Pankaj Badoria's son, how is, does that make you proud? Yeah, of course. It's very proud. Of course. अच्छा एक बात मैं जानना चाहूंगी आप दोनों से कि एक दूसरे से आपने क्या एक चीज है जो सीखी हो. पंकज जी, सोनालिका ने क्या सिखाया आपको? सोनालिका ने मुझे पॉजिटिव रहना बहुत सिखाया है. यू नो व्हेनेवर शी सीज आई एम थोड़ा सा भी मैं परेशान हूँ ना तो आई जल्दी से आई थिंक यू नीड अ पॉजिटिव हग, आई थिंक यू नीड अ जादू की झपकी. एंड यू नो she's taught me to be positive all the time and yeah. always to smile and you know take things with a pinch of salt ki chodo forget it let's you know yeah. And hum dono ka life ka ek motto hai jo hum share karte hain aur wo hai hakuna matata. Lovely, lovely. Zonalika, mummy se bahut sari cheeze seekhi hongi but one like mool mantra I mean, अभी तक completely सीखा नहीं है पर सीख रही हूँ patience क्योंकि मुझ में बिल्कुल नहीं है और इनमें बहुत है तो वो. अच्छा एक बात और बताइए कि एक ऐसी चीज जो आप एक दूसरे में बिल्कुल पसंद नहीं करते. कभी कभार बहुत ज्यादा emotional drama करती है मम्मा. Get the things done. But that's mothers यार. That's all moms. So definitely but देखिए, I keep telling Sonalika, you're my princess, you're my sweetheart, which she is, of course. और पता नहीं क्यों मुझे इसकी इसके अंदर कहीं कुछ वो दिखाई नहीं देता है. Everything that मेरे लिए वो अभी भी वो 2 साल की छोटी सी बच्ची ही लगती है मुझको. Which she doesn't like, by the way. She says I'm a grown up, treat me like a grown up, but I tell her कि नहीं, you'll always be a little baby for me. Yeah. And इसीलिए छोटी छोटी कुछ भी चीज अगर ये रूठती भी है ना तो उसको मनाने में भी मुझे उतना ही मजा आता है. ओके अनदर वन आई हैव समथिंग दैट यू गाइस डोंट वांट द पर्सन टू चेंज. एक ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसी कोई हैबिट जो कभी आप चाहेंगे कभी ना बदले. आई वुड लाइक सोनालिका टू रिमेन स्ट्रांग द वे शी इज वेरी स्ट्रांग इनसाइड, वेरी वेरी स्ट्रांग. एंड ये कभी भी अपनी वीकनेसेस को दिखाती नहीं है, यू नो. एंड शी इज वेरी डोमिनेटिंग एंड ओवरपावरिंग, राइट. And I love that about her because I am not. So mujhe lagta hai ki can face the world with more you know strength than I can. And so I love that about her and I would never like her to change that. I would like her to be the way that it is. Sonalika, aap? I think my mom is very humble with everyone. Chahe koi bhi ho, with everything she's doing, she's always very humble and patient and very kind to everybody. I'm not always very humble and matlab jaise mamma ne bola I'm a little dominant and all of that but I think that's one of the greatest qualities she has. So yeah, she's very kind. Acha Pankaj ji, aap se agar poochu that for all mothers and a lot of young parents are confused, to aapki kya parenting tip rahegi ki bachchon ke sath dosti kaise ho? I've always told my kids, look, I am your best friend. And zindagi mein koi aisa kaam mat karna jo tum apni maa ko na bata pao. अगर तुम्हें वो काम बताने में शर्म आए तो सोच लेना वो काम गलत हुआ, ठीक है. दिस इज योर बेस्ट पैरामीटर टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड एज यू ग्रो दिस जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग विल सीप इन इट्स ऑन इटसेल्फ. बस अगर माँ को बता सकते हो वो बात तो वो सही, नहीं बता सकते तो वो गलत है. सोनालिका, मम्मी बचपन में स्ट्रिक्ट थी, किस चीज के लिए डांट पड़ती थी आपको? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे कोई काम नहीं करती थी. सेकेंडली हमें कभी मार्क्स वार्क्स पर नहीं डांटा गया. हमें बोर्ड्स पे भी बोला इतने मार्क्स लाना जो तुम्हें बताने में अच्छा लगे ना एवरीथिंग. तो कभी कुछ नहीं बोला कि स्पेसिफिक परसेंटेज लाओ. खाना ना खाओ तो डांट पड़ती थी, तो खाना खाना जरूरी है. बस और कुछ नहीं, स्किप आवर मील्स, आई थिंक दैट्स ऑल. ओके पंकज जी, नेवर इज आई हैव ऑन माय किड्स एवर इन माय लाइफ. That's amazing. That's commendable, and that is actually but true. But प्यार से कुछ बोल दो ना तो वो मान जाते हैं. गुस्से से बोलोगे तो नहीं मानेंगे, प्यार से बोलोगे तो सब मान जाते हैं. I realize that, and that's I think that's what we've done always. आज भी इनको कुछ गुस्से से बोलूंगी ना तो ये नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर प्यार से कोई बात बोलूंगी, baby,
और तो वो काम तुरंत हो जाता है। अच्छा पंकज जी, आपकी कोई फेवरेट डिश है जो आपने कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई है इधर बाय सोनालिका's personality और her demand और what she likes, something that you've created from scratch? इसको स्पेगेटी विद मीटबॉल्स बहुत पसंद है और इसको कपकेक्स पसंद है और इसको बाबा फ्रेंच टोस्ट पसंद है, इसको बनाना पीनट बटर सैंडविचेस पसंद है। इसकी लिस्ट ऑफ पसंद्स तो बहुत अच्छी है। सोनालिका, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी। सवाल क्या है, एक रिक्वेस्ट है। मदर्स डे है, मम्मी आपके एकदम बगल में बैठी हैं। आई नो यू आर अ लिटिल रिजर्व्ड, लिटिल शाय, बट आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू से आप उनसे कितना प्यार करती हैं। बट आई थिंक आई विल जस्ट से थैंक यू फॉर लाइक एवरीथिंग पॉसिबल एवर एंड या शी इज जस्ट सो नाइस। It's very difficult for Sonalika, believe me, but no, I can tell. But I would like to take this opportunity to say thank you to Sonalika for being such a lovely friend. You know, कहते हैं ना बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माँ की सबसे अच्छी दोस्त बेटी होती है। Thank you so much, Pankaj ji and Sonalika for sharing this very special occasion, Mother's Day, हमारे साथ, हमारे viewers के साथ और हमारे माँ and me campaign का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। May you have a fantastic day, Pankaj ji. Happy Mother's Day to you. I would like to wish all mothers a very happy Mother's Day and all children. I would like to say कि एक दिन अपनी माँ को प्लीज ये मौका जरूर दीजिएगा कि वो कुछ स्पेशल महसूस कर सके। एंड आई वुड लाइक टू टेल देम कि वाई कांट यू मेक एवरी डे अ मदर्स डे। नो, ऑल यू हैव टू से इज, माँ आज आपने खाना अच्छा बनाया, माँ ये तो आज आपने बहुत अच्छा किया। दैट वन वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन दैट कम्स फ्रॉम योर चाइल्ड will make your mother's day. Every day turns into a mother's day for her. So, bas maa ko roj ehsaas dilaiye ki unke liye har din khaas hai. I think that's all that matters.